हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर रवि परिहार और आज हम साइकस के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के ई लेक्चर में हमने साइकस के जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों व उसकी बंधुताओं के बारे में चर्चा की है। आज के वीडियो में हम साइकस को स्टार्ट करते हैं व उसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं कि साइकस कैसा प्लांट होता है, कहाँ मिलता है और इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। साइकेडेल्स ऑर्डर का सदस्य है और साइकेडेल्स ऑर्डर के सदस्य को हम सामान्यतया इसके सदस्यों को साइकेड्स कहते हैं। इनका ओरिजिन यानी कि साइकेड्स का ओरिजिन, साइकेडेल्स ऑर्डर के सदस्यों का ओरिजिन कार्बोनिफेरस पीरियड के अंत में सीड फर्न्स यानी बीजीय फर्नों से हुआ है तथा मेसोजोइक एरा के ट्रायसिक पीरियड में एक डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में पृथ्वी पर यह पादप उपस्थित थे। ट्रायसिक पीरियड को इसीलिए हम एज ऑफ साइकेड्स भी कहते हैं और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि एज ऑफ साइकेड्स कौन से पीरियड को कहते हैं, किसे कहते हैं? ट्रायसिक पीरियड को हम एज ऑफ साइकेड्स कहते हैं। साइकेडेल्स ऑर्डर में 9 लिविंग जीनस और 100 स्पीसीज इंक्लूडेड है। इसी ऑर्डर का एक सदस्य है जैमिया पिग्मिया। इस जैमिया पिग्मिया को छोड़ दें तो इस ऑर्डर के सभी सदस्य वुडी होते हैं। जैमिया पिग्मिया एक छोटा जिम्नोस्पर्म है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है जो वुडी नहीं होता है। बाकी सभी सदस्य इस ऑर्डर के सदस्य वुडी ट्रीज होते हैं। इनका तना अनब्रांच्ड होता है यानी कि ये अधिकतर सीधे पादप होते हैं और इनके तने के ऊपर परसिस्टेंट लीफ बेसिस होते हैं। लीव्स तने के टॉप के ऊपर वोल में यानी कि चक्रों में व्यवस्थित तथा पिंडेटली कंपाउंड प्रकार की होती है, यानी कि तना स्टेम और स्टेम के शीर्ष भाग पर जो है वो पत्तियां जो होती हैं एक चक्र के रूप में उपस्थित होती हैं। इनकी वुड जो होती है वो मैनोजाइलिक होती है और हमने अभी सामान्य लक्षणों में अध्ययन चर्चा किया था कि मैनोजाइलिक जो वुड होती है उसको विरल दारुक वुड भी बोलते हैं और जो साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इस प्रकार की वुड में जो कॉर्टेक्स और जो पिथ है वो वेल डेवलप्ड होते हैं और मैटुरेटरी रेज भी वेल डेवलप्ड होती हैं। इस प्रकार की वुड को हम बोलते हैं मेनोजाइलिक वुड। लघु व गुरु बीजाणु पर्ण प्राय मेल और फीमेल कोन में अरेंज्ड रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि साइकस में फीमेल कोन नहीं बनता है। जब हम स्पेशली साइकस की बात करेंगे तो यहाँ हम पूरे ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जब हम साइकस की बात करेंगे तो देखेंगे कि उनमें फीमेल कोन नहीं बनता है, उनमें मेगास्पोरोफिल्स होती हैं जबकि मेल कौन बनते हैं। और हमने ये भी चर्चा की थी कि इसमें जो साइकस में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। हमने देखा था कि साइकस और गिंगो में मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं जबकि बाकी सभी जिम्नोस्पर्म्स में कभी भी मेल गैमेट मोटाइल नहीं मिलते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। ये एक साइकस का प्लांट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइकस की लीव्स हैं जो वॉल्स में उपस्थित हैं और उसके ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेगास्पोरोफिल्स जो है वो लगी हुई हैं। और इस प्रकार का सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट जो होता है वो साइकस होता है, जिसे हम गार्डन्स में सजावटी तौर पर, घरों में सजावटी तौर पर लगाते हैं अक्सर। हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो जो साइकस है वो साइकेडोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत आता है। इसकी क्लास है साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर है साइकेडेल्स जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, और फैमिली है साइकेडेसी। इस साइकेडेसी फैमिली के अंदर साइकस जो है इसका व्यापक वंश है जो अधिकतर सब जगह देखने को मिलता है। बियर होस्ट 1971 के अनुसार साइकस की 20 जातियां ज्ञात हैं जो कि भारत के अलावा चीन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा इत्यादि देशों में पाई जाती हैं। अब हम अगर साइकस की भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जातियों की बात करें तो उनमें ये 6 जातियां जो है वो भारत में पाई जाती हैं, साइकस पेक्टिनेटा, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस बेडुमाई, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रम्फाई एंड साइकस सियामेंसिस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक पाम लाइक ट्री है और साइकस भी एक पाम लाइक ट्री होता है। ये साइकस का ही इमेज है, इसके ऊपर देखो हमने क्या बात की थी, स्टेम के शीर्ष पर पत्तियों का एक मुकुट जो है वो लगा रहता है और जो स्टेम होता है उसके ऊपर लीफ स्कार्स या लीफ बेसिस हमें दिखाई देते हैं और इस प्रकार से ये एक खजूर की आकृति का पाम की जैसा एक ट्री होता है जिसकी हाइट हम आगे बात करेंगे 1.5 से 3 मीटर की हाइट इसमें अधिकतर देखी गई है। अगर हम इसके जातियों की बात करें तो साइकस पेक्टिनेटा जो होती हैं उनकी ऊंचाई 2 से 3.5 मीटर तक देखी गई है। पत्तियां स्तंभ के शिखर पर मुकुट के रूप में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्राउन के रूप में पाई जाती हैं।
जबकि साइकस रिवोल्यूटा की अगर हम बात करें तो ये लगभग ये भी 1.5 से 2 मीटर की हाइट के वृक्ष होते हैं, और इनके पर्णकों के उपांत, इसकी पहचान का तरीका है कि इनके जो लीफलेट्स होते हैं उनके जो उपांत है, मार्जिन्स हैं, वो नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं, और इनके गुरु बीजाणु पर्ण भी 10 से 25 सेंटीमीटर लंबे, रोमिल 4 से 6 बीजाणु युक्त होते हैं। इनमें नर शंकु वर्षा ऋतु में विकसित होते हैं, रिविल्टा की अगर हम बात करें तो, और इनमें कायिक प्रवर्धन बल्बिल्स या पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होता है। साइकस पेडुमाई की बात करें, साइकस पेडुमाई के अंदर ये जाति अन्य जातियों की तुलना से थोड़ी सी छोटी होती है। इनका तना 40 सेंटीमीटर लंबा व छुपिल होता है, शुभ नेचर के होते हैं। इनके पर्णक रिविलुटा की भांति पीछे की ओर मुड़े हुए हो सकते हैं, और इनमें स्पाइंस नहीं पाए जाते हैं। साइकस सर्सिनेलिस भी 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक के ऊंचे ट्रीज हैं, और प्रत्येक पत्ती में लगभग 100 से अधिक लीफलेट पेयर्स इनमें पाए जाते हैं। रमफाई की बात करें तो ये रमफाई भी 1 से 1.5 से 4 मीटर तक ऊंचे होते हैं, और लंबाई पत्तियों की लंबाई काफी ज्यादा 1.2 मीटर तक होती है, और प्रत्येक पत्ती में 50 से लेके 100 तक जो है वो पर्ण के लीफलेट पेयर जो है वो पाए जाते हैं। लास्ट में अगर हम बात करें सियामेंसिस की, तो सियामेंसिस जाति जो है वो बर्मा, चीन, थाईलैंड में व्यापक रूप से वितरित है, और इंडिया में यह सजावटी पौधे के रूप में उगाई जाती है। 3 मीटर तक ये पौधा हो सकता है, पत्तियां 1 मीटर तक लंबी होती है। और ये है इसका डायग्राम, जैसा हमने बात की कि साइकस का जो एक स्पोरोफाइट है वो इस प्रकार का देखने को मिलता है। अब हम स्पोरोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे कि स्पोरोफाइट की क्या विशेषताएं हैं, कैसा दिखता है। इसे कॉमनली हम सागो पाम भी कहते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में, परीक्षा में बार बार आता है कि साइकस का सामान्य नाम लिखिए, तो साइकस को हम सागो पाम के नाम से जानते हैं। और यह हमने देखा अभी 1.5 से 3 मीटर के हाइट का पाम सदस्य, पाम पाम लाइक एवरग्रीन ट्री है, सदा हरा रहता है, हमेशा ये ग्रीन रहता है, और यह जीरोफिटिक हैबिटाट्स में जैसे कि पथरीले पहाड़ों है ना में पाया जाता है, जहां पर पानी कम होता है, यानी कि जीरोफिटिक हैबिटाट शो करता है। इसे हम गार्डन में ऑर्नामेंटल पौधे के रूप में, घरों में ऑर्नामेंटल पौधे के रूप में लगाते हैं। इसका जो बीजाणुद्भिद होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, वो जड़, तना एवं पत्ती यानी कि रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होता है। अगर हम अब इसके रूट की बात करें तो साइकस में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, सामान्य मूसला मूल जो कि इसमें नॉर्मली होती है, टैप रूट, और दूसरी होती है इसमें कोरोलॉइड रूट। अगर हम टैप रूट की बात करें तो यह प्राथमिक जड़ होती हैं, और मुख्य मूसला जड़ छोटी व मोटी होती हैं, परंतु इसकी पार्श्व शिराएं, शाखाएं लंबी वो पतली होती हैं। हमें पता है कि जो जड़ें होती हैं वो पौधनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, अर्थात इनकी वृद्धि नीचे की ओर होती हैं, और इनका काम होता है पौधे को स्थिर रखना व उनको पौधे को पोषण प्रदान करना। दूसरे प्रकार की जड़ें विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं, जो कि जमीन से ऊपर की तरफ यानी कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, वो होती हैं कोरेलॉइड रूट। विशेष प्रकार की अगुरुत्वानुवर्ती जड़ें होती हैं, जिनकी वृद्धि मिट्टी की सतह से ऊपर होती हैं, ये मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। ये जड़ें बार बार द्विभाजी शाखन करती हैं, उसके कारण प्रवालाभ गुच्छे बनाती हैं, और इसी कारण इन्हें हम प्रवालाभ जड़ें भी कहते हैं। पुराने वृक्षों की अपेक्षा छोटे वृक्षों में ये प्रवालाभ जड़ें अधिक मिलती हैं। इनके कॉर्टेक्स क्षेत्र में इनकी विशेषता होती है कि इनके वल्कुटीय रीजन में एक विशेष प्रकार का क्षेत्र, शैवालीय क्षेत्र होता है, जिसमें कि निर्हरित शैवाल, एनाबिना या अन्य कोई ब्लूग्रीन एल्गी भी इसमें पाए जा सकते हैं, और ये जो जड़ें हैं यानी कि जो एल्गल जोन्स हैं वो एंडोफाइटिक एल्गी का महत्व ये है कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं। अगर हम बात करें इसमें तने की, तो तना जो होता है हमें पता है अनब्रांच्ड होता है, युवा अवस्था में यह तना कंदिल, ट्यूबरस होता है, वह अंतःभूमिक होता है, वह इसका शीर्ष स्केली लीव्स से ढका रहता है। परिपक्व पौधे में जो तना मोटा, बेलनाकार, लंबा, परसिस्टेंट वुडी लीफ बेस से ढका हुआ होता है। साइकस का जो तना है वो अनब्रांच्ड रहता है, परंतु किसी क्षति के कारण कभी कभी यह ब्रांच भी मिल सकता है। अब हम बात करें इसमें लीव्स की, पत्तियों की, तो पत्तियां जो होती हैं वो इसमें डाइमॉर्फिक होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ लिखा भी है कि जो पत्तियां हैं
वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होती है सामान्य फोलियस लीव्स या इसको हम एसिमिलेटरी लीव्स बोलते हैं, और दूसरी होती है शल्की पत्तियां या स्केले लीव्स। जो फोलियस लीव्स होती हैं, ये हमें पता है कि सामान्य पत्तियां जो होती हैं वो बड़ी, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पर, कि जो पत्तियां होती हैं कितनी बड़ी और लंबी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी पत्तियां जो होती हैं वो, इस प्रकार की पत्तियों को हम पिनेटली कंपाउंड पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां भी कहते हैं, और ये स्तंभ के शीर्ष पर एक मुकुट के रूप पर देखी जा सकती हैं, और इनमें प्रत्येक पत्ती में जो पर्णकों की संख्या है वो 80 से लगभग 120 या 130 जो है पेयर्स लीफलेट्स के पाए जाते हैं, जो जो कि रेकिस के दोनों पार्श्वों पर विपरीत क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पर्णकों में एक मध्य शिरा होती है, लेकिन इनमें हमने बात की थी कि इनमें पार्श्व शिराओं का अभाव होता है, और हमें पता है जब इनमें जो लेटरल ट्रांसलोकेशन है वो पार्श्व शिराओं के नहीं होने की वजह से यहाँ पर संचरण ऊतक और सहायक संचरण ऊतकों के द्वारा होता है। दूसरे प्रकार की पत्तियां स्केले लीव्स होती हैं, जो कि मियां बीच में लगी रहती हैं, वो छोटी पत्तियां होती हैं, लगभग त्रिकोणीय है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है, और जबकि जो नॉर्मल लीव्स हैं, एसिमिलेटेड लीव्स हैं, इनका मुख्य कार्य भी भोजन का निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार जो है वो साइकस में ये सामान्य जो जड़ तना पत्तियां किस प्रकार की होती हैं, किस प्रकार का पादप होता है, उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जड़ तना एवं पत्ती की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।